हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपको पता ही है कि सुबह सुबह होता है कबूतरों को दाना देते हैं, तो आज हम कबूतरों को दाना देने आए हैं। हम सुबह सुबह स्कूल चला गया है और अभी 2 बजे आएगा, तो कबूतरों को दाना दे रहे, सब काम करना है, नाश्ता बनाना है। तो देखिए सब कितने सारे कबूतर हैं, और आप सुबह कोई कबूतर को दाना देता है तो प्लीज़ हमको मैसेज करिएगा, फिर हम भी खाना देते हैं। हम तो कबूतरों को चार साल से कभी वैसे दाना दे रहे हैं। अगर आप लोग मुझे कोई देते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताइएगा कि दाना देने में कैसा लगता है। उनको हर रोज़ सुबह याद आ जाता है कि उन लोगों को दाना देना है। तो क्या आप लोग भी कोई किसी कोई पक्षी को दाना देते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं, खाना देते हैं, मतलब पूरा काम करने चलते हैं, क्योंकि मेरा बहुत सा काम रहता है। तो आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी फूल है, इधर भी पेड़ है, इधर भी प्लांट है। तो अभी शाम को अंशुल ट्यूशन गया है, तो हम बोर हो रहे थे तो हम अभी छत पे आए हैं। देखिए कि इतना सारा फ्लावर भी हुआ है, मिर्ची भी हुआ है। तो आपको मिर्ची का पेड़ दिखाएं, देखिए मेरे बगल में मिर्ची, इसमें सारा भी मिर्ची हुआ है। और वो देखिए मेरा रबर प्लांट कितना ऊँचा होते बड़ा होते जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी अंशुल नहीं है तो हम ऐसे बोर हो रहे थे तो हम अभी छत पे आए। मेरे साथ चारों तरफ देखिए प्लांट ही प्लांट है। आप देख सकते हैं मेरे घर मिर्ची का पेड़ है, इतना बड़ा है मिर्ची का पेड़। देखिए कितना सारा मिर्ची है, देखिए इतना सारा। पहली बार इतना बड़ा हुआ है पेड़। हम लोग तो हमेशा लगाते हैं मिर्ची, बट पहली बार इतना बड़ा पेड़ हुआ है और खाली मिर्ची मिर्ची ही है। मस्त लग रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा शायद, वैसे दूर से पता नहीं चलेगा वीडियो में, लेकिन ऐसे पास से हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारा मिर्ची है, देखिए खाली हर डाल पे 3-4 मिर्ची है। और देखिए कितना बड़ा ये पेड़ है, गाइस ये मिर्ची का पेड़ और इतना बड़ा है। तो ये देखिए मेरे छत का व्यू, यहाँ पे ओवर ब्रिज है, यहाँ से बड़ा बड़ा गाड़ी सब पार होता है। अभी हम छत पे आए थे तो थोड़ी सा छत का व्यू देखा जाए, क्योंकि शाम हो गया था। अंशु रिशु तो बता ही गया आपको कि वो लोगों भी बाहर गया है। तो चलते हैं अब नीचे, कपड़ा भी हम उठा लिए हैं। और ये देखिए मेरे रबर प्लांट, आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, बहुत बड़ा सा है। इसका पत्ता में शाइनिंग देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसका सारा पत्ता बहुत सुंदर है। ये भी नया हो रहा है। हम लोग रबर प्लांट बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा। तो अब कपड़ा भी ले लिए हैं और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे भी अंधेरा हो गया है। खाके सो गया है और अब रात भी काफ़ी हो गया। उन लोगों को सुबह स्कूल है तो उन लोग जल्दी सो गया है,
सुबह वालों को जल्दी उठना होता है। तो गाइज अब हम भी जा रहे हैं सोने और ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। देखिए टिमी भी यहीं पे सोई है, टिमी खाना खा के यहीं पे सो जाती है, सुबह हम जब उठेंगे तब हमारे साथ ही उठती है ना टिमी। तो इसको छोड़ देते, इसको तंग नहीं करते हैं और ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए